जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अनुराग ठाकुर की बेतुकी बयानबाजी पर कड़ा एतराज जताया है। दीपक शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद भाजपा में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, वो एक महत्वहीन बन के रह गए हैं। उन्हें अब अपनी राजनीतिक असुरक्षा का एहसास हो गया है और उनके अपने पिता की हार का सदमा ऐसा लगा है कि वो ओल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में इनके संसदीय क्षेत्र में जहां भाजपा द्वारा घोषित मुख्यमंत्री की हार हुई है, वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को भी हार का मुंह देखना पड़ा है और कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में भाजपा द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के गृह जिले में कांग्रेस ने भाजपा का न केवल गढ़ फतेह किया है बल्कि घोषित मुख्यमंत्री को बिहार का मुंह देखना पड़ा है और इसी बौखलाहट का परिणाम है कि आज अनुराग ठाकुर के मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो सांसद रहते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का जो विकास करवाया है वो मात्र उनको ही दिखाई देता है, हकीकत में जनता के लिए वो अभी तक अदृश्य ही है। मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी कि हर संसद सदस्य एक गांव आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेगा, पर ऐसी ऊल जलूल बयानबाजी के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बेटे को ही गोद ले लेना चाहिए ताकि उसको आदर्श बनाया जा सके। दीपक शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर की वास्तविकता ये है कि उन्होंने कभी भी खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं किया है बल्कि इसकी आड़ में अपने ही कुछ नाकाबिल लोगों को स्थान दिया है, जिन्हें खेलों और खिलाड़ियों की चमक के बजाय पैसों की खनक में ज्यादा रुचि थी, जिनकी मित्र मंडली ने खेल संस्थाओं का वातावरण प्रदूषित किया। असलियत सभी जानते हैं, नकली खिलाड़ी, नकली फौजी और नकली जनसेवक अनुराग ठाकुर ने अपनी राजनीति का शिकार खेलों को बनाया। क्रिकेट जो पहले संस्था थी और उस संस्था में केवल खिलाड़ी ही अहम पदों पर चुने जाते थे, इस संस्था को भी उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर अपनी प्रदूषित मंशा का परिचय दिया है ताकि उसमें चुनाव ना हो सके और ना ही उनकी पसंद के अलावा कोई उनमें आ सके। दीपक शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने अपने पिता की वजह से वह राजनीति में जगह बना पाए हैं, जबकि सुक्खू एक आम परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता के चलते ही अपनी और एक विश्वसनीय और मजबूत नेता के रूप में खुद को स्थापित किया है। दीपक शर्मा ने कहा कि आने वाले चुनावों में अपने बुरे समय की आहट अनुराग ठाकुर को हो रही है, उनको ये एहसास हो चुका है कि ये सब चुनाव में जनता बजाय उनको संसद भेजने के उनको उनके पिता की गोद में ही बैठने का मन बना चुकी है। इससे अनुराग ठाकुर को इन चुनावों में अपनी हार साफ नजर आ रही है, यही बौखलाहट आजकल उनके जुबान से बाहर आ रही है। दीपक शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर आजकल प्रदेश में अपनी ही पार्टी के नेताओं से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे अपने नेताओं के खिलाफ साजिश रचने में भी संकोच महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको सरकार में कई भाजपा नेताओं की ताजपोशी से परेशानी हो रही है और उनका ये दर्द कई बार उनके बयानों में साफ झलकता है। दीपक शर्मा ने कहा कि अब जनता नकली खिलाड़ी, नकली फौजी को घर बिठाने का मन बना चुकी है। बीरपुर के संसद सदस्य अनुराग ठाकुर जी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पे, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक लोकप्रिय अध्यक्ष है, एक विश्वसनीय नेता है, जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता के दम पे सिद्ध किया है, उन पे टिप्पणी करना अनुराग ठाकुर जी की एक बहुत बचकानी हरकत है और हास्यास्पद हरकत है। मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आजकल जो धरातल में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो विकास किया, महज उनकी आंखों में दिखता होगा, जबकि वो आम जनता की नजरों में अदृश्य है। कोई विकास नहीं हुआ है, रेल आज तक नहीं पहुंची है, कोई नया संस्थान नहीं वहां पे आया है। आज जो अपने पिताजी की हार की जो उनको सदमा लगा है, उसकी वजह से वो अपने पार्टी मंच पे, जनता के मंच पे बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के बयानबाजी करते हैं। आज वो अपनी ही पार्टी में खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। उनको कई भाजपा नेताओं की ताजपोशी रास नहीं आ रही है। जो क्रिकेट, जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन थी, ये एक संस्था थी। जब से अनुराग ठाकुर इसके अध्यक्ष बने, पहली बार वो संस्था में अध्यक्ष बने थे, उसके बाद इन्होंने इस संस्था को तब्दील करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। इससे जाहिर होता है कि अनुराग ठाकुर एक प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी बना देते हैं तो इसका मतलब वहां वो चुनाव नहीं करना चाहते, वो वहां वो उन लोगों को द्वार बना रहे हैं, उन लोगों को रोकना चाहते हैं
जो उनके कंफर्ट जोन में नहीं आते, जो खिलाड़ी हैं, जो आम जो लोगों से घरों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको रोकना महज उनका मकसद रह गया है।